दोस्तों यू मे हैव अ सिचुएशन राइट जहाँ से आप डंप पुल करते हो, रॉ डंप, करेक्ट। जहाँ पे अगर आप देखोगे, ये कुछ मेरे पास डेटा है डमी सा, पारुल डॉट मेहरा, या फिर एक पर्टिकुलर नेम है, करेक्ट। ये कुछ ऐड कर रखा है मैंने, मुझे ये स्प्लिट करना है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में, ठीक है, दोनों साथ में है, मुझे वो स्प्लिट करना है। तो स्प्लिट कैसे करेंगे इसे? तो स्प्लिट करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है एक्सेल के अंदर। डेटा में क्लिक करना है आपको, एंड देन ये कॉलम को पहले सिलेक्ट कर लो जो आपको स्प्लिट कराना है। एंड देन डेटा टूल्स के अंदर अगर आप जाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेक श्योर करना, आप डेलिमिटेड करके एक ऑप्शन आएगा टॉप में, उसे सिलेक्ट कर रहे हो, एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, मैंने इसे ऑफ कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो स्पेस है राइट इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्पेस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली एक लाइन ऐड हो जाएगा, ठीक है, एंड देन ये भी ऑटोमेटिक चेक हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, देन ये मुझे पूछता है डेस्टिनेशन कहाँ पे चाहिए, मुझे सेम रेंज में चाहिए या कहीं और मुझे पेस्ट करना है, बट मैं मुझे सेम रेंज में चाहिए, तो मैं यहाँ ही पे फिनिश पे क्लिक कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करता हूँ, आते हैं नेक्स्ट टेबल पे दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉमा एडेड है, वो कॉमा एडेड कैसे स्प्लिट करेंगे हम दो पर्टिकुलर टेबल में। अगेन टेक्स्ट टू कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ दोस्तों, डेलिमिटेड, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे स्पेस नहीं है दोस्तों, राइट, यहाँ पे कॉमा है, हमें कॉमा मिटाना है, तो स्पेस को निकाल देता हूँ। कॉमा पे क्लिक, वंस आई क्लिक इट, यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा डेस्टिनेशन। मुझे ये टाइम पे मैं आपको डेस्टिनेशन का ऑप्शन दिखाता हूँ, यहाँ पे मुझे चाहिए राइट, तो वो डेटा वहीं पे रहे, एंड देन फिनिश पे क्लिक, ठीक है। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ये ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पे फेच कर लेगा। कंट्रोल जेड, आगे मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों सेमी कॉलन, राइट। डेटा हर एक प्रकार का हो सकता है दोस्तों, राइट, आपके पास स्पेस में आया हो, या फिर कॉमा में आया हो, या फिर सेमी कॉलन में आया हो, तो डरना नहीं है, एक्सेल के अंदर आप इजी वे में कर सकते हो। टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करता हूँ अगेन, उप्स, मैं पहले कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड देन टेक्स्ट टू कॉलम्स, वंस अगेन डेलिमिटेड, यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, एंड देन नेक्स्ट, रेंज मुझे चाहिए, सॉरी आई थिंक आई मिस्ड इट समथिंग, स्पेस नहीं चाहिए मुझे, यहाँ पे सेमी कॉलन चाहिए राइट, तो सेमी कॉलन पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेमी कॉलन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगा, एंड देन डेस्टिनेशन आई नीड इट ओवर हियर, ठीक है, तो मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा दोस्तों। नॉट ओनली दी दिस थिंग्स, आप अगर आपके पास कुछ डैश भी आ रहा है राइट, तो आप डैश को भी ऐड कर सकते हो उसके अंदर। यहीं पे अदर पे क्लिक करना है, एंड देन जस्ट प्रेस डैश, ठीक है, अगर आपके पास अलग सा कुछ सिक्वेंस में डेटा आ रहा है तो, ठीक है दोस्तों। सो उम्मीद दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज गिव मी अ थम्स अप ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो ऐसे एक्सेल के हैक्स में लेके आते रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।